हाय, आई एम आरबी। आज हम एक्सेल की एक बहुत ही अच्छे फीचर की बात करेंगे, दैट इज कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि नाम बताया था, कंकैटिनेशन मींस एडिंग द डाटा ऑफ मोर देन वन सेल, either 2 or 3 or 4, maybe more than that। तो हम उनको ऐड करके देखते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई भी एक डाटा बेस है, ये ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। देन आई टाइप फार्मूला कनकैटिनेट। अब मैं मोर देन वन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो टेक्स्ट ऑब्वियसली जो है वो अलग अलग सेल्स में होंगे, और मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे सेल जो है वो सप्लाई कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा एक फर्स्ट जो है मैंने ले लिया, देन ये मैंने जो है वो फर्स्ट लिया, देन मैंने कॉमा लगाया, देन वो मेरे से टेक्स्ट टू पूछ रहा है। अब मेरे ऊपर है, मैं मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट टू दे देता हूँ, और आप देखेंगे इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और इसके बाद जितने भी ऑप्शन आएंगे सब में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, मतलब कि दे आर ऑप्शनल, आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दीजिए। तो मैं इसके बाद जो है वो नहीं देता, एंड सिंपल जो है वो एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए, तो जो दो सेल का डाटा है वो मर्ज होके वो एक में आ गया, कंकैटिनेट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दो जो है वो सेल के डाटा को मर्ज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कॉमा दे के एक और नाम ऐड कर देता हूँ, एंड देखिए ये नाम भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से मैं जो है वो आगे बढ़ जा सकता हूँ। अब मान लीजिए इनके बीच में मेरे को स्पेस देनी है। अभी देखिए ना, एक जैसे खत्म होता है दूसरा साथ में शुरू होता है। सपोज आई वॉन्ट टू गिव अ स्पेस और एनी कॉमा समथिंग लाइक दैट। नाउ सिंस वो भी एक टेक्स्ट है, तो मैं उसको जो है वो डबल कोट्स में दूंगा, देन मैं कॉमा देता हूँ, एंड इस तरह से देता हूँ। तो देखिए क्या फर्क आएगा एक कॉमा देने से। ये देखिए, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम के बीच में एक कॉमा आ गया है, जबकि सेकंड नेम और थर्ड नेम के बीच में नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है वो दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं आपकी बार कॉमा ना देके एक सिंपल स्पेस देता हूँ, एंड उसको सेपरेट कर देता हूँ कॉमा से। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ कॉमा दिया था उसी हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गई। तो ये तो है सिंपल सा कंकैटिनेट फंक्शन। अब एक्सेल हमें इसी के इक्विवेलेंट एक चीज़ और देता है कि हमको कुछ नहीं करना, सिंपल हमको जो है वो फार्मूला लगाना है। सारे फार्मूला इक्वल टू से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट रेफरेंस देना है मेरे को कोई फार्मूला नहीं लिखना, एंड सिंपली मेरे को जो है वो एम्पर साइन लगाना है, एंड इसके बाद मेरे को दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेना है, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना सा ही देना है, और ये देखिए मेरा कंकैटिनेट जो पहले था वो मेरा फिर से हो गया है। तो इस तरह से एम्परसाइन लगा के मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और जैसे मैंने पहले एडिट किया था, मैंने कॉमा लगाया था या स्पेस दी थी, तो मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। कैसे, देखिए सपोज ये नेम है, एंड आई वॉन्ट कॉमा आफ्टर दिस। तो सिंपल फॉर्मेट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है कि डबल कोट्स में ही लगेगा, एंड इसके बाद मैं नाम दे देता हूँ दूसरा। तो ये देखिए, इस दोनों नेम्स के बीच में जो है वो क्या आ गया, मेरा कॉमा आ गया। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कुछ किसी आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ आई है, आपको बहुत सारे जो हैं वो मर्ज करने हैं, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे मर्ज कर सकते हैं, ये लगाइए, ये कीजिए, ये कीजिए, फिर प्रेस एम्पर, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, सिंपल। ये देखिए,
इस तरह से आ गया। कंकैटिनेट की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट एड्रेसेस आपके पास हैं या मान लीजिए ईमेल आईडीज़ आपके पास हैं बहुत सारी, एंड यू वांट टू मेल ऑल ऑफ देम अ सिंगल मेल, तो क्या कीजिए, या तो एक एक करके सबको कॉपी कीजिए फिर आप उसमें कीजिए, या फिर असल में आप उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल ईमेल एड्रेस लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, दूसरे में मैंने ये ले लिया, तीसरे में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए abc.com ले लेता हूँ, एंड तीसरे में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, एंड लास्ट में भी मैं कुछ जो है वो नाम ले लेता हूँ, एंड नाउ आई वांट टू कंकैटिनेट इट। बहुत आसान है, इसको लेते हैं फर्स्ट नेम। अब ईमेल एड्रेस में क्या आता है कि हमारे पास एट द रेट साइन ज़रूर आता है, तो इन ऑर्डर टू पुट एट द रेट साइन मैं ऐसे ही सिंपली एट द रेट ले लेता हूँ, एंड इसके बाद एक एम्पर साइन और लगाता हूँ, एंड इसको ले लेता हूँ। अगर मैं एम्पर साइन नहीं लगाऊंगा एट द रेट के बाद तो क्या होगा, वो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बन गया मेरा ईमेल एड्रेस। अब सिंपली मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ नीचे, एंड सारे ईमेल एड्रेसेस मेरे पास आ जाएंगे। अब मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी क्वेरी मेरी क्या थी कि इसको मेरे को एक ही लाइन में लगाना है ताकि इनको मैं इकट्ठा कॉपी करके जो है वो मेल कर सकूं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कंकैटिनेट करता हूँ, बट अब की बार पूरा ना करके सिर्फ इसको करता हूँ। एंड ज़्यादातर जो ईमेल क्लाइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि या तो दोनों के बीच में सेमी कॉलन होता है या फिर कॉमा होता है, तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ थ्रू दिस। ये मैंने लगाया, ये मैंने लिया, ये मैंने दूसरा लगाया, एंड ये देखिए दो जो मैंने नेम सेलेक्ट किए थे वो आ गए। इस तरह से आप कंकैटिनेट करके बहुत सारा जो है वो यहाँ पर ईमेल आईडीज ले सकते हैं और उसको फिर मेल कर सकते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे रेफरेंस सेल रेफरेंस कॉपी हो रहे हैं, सेल एड्रेसेस कॉपी होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक जगह पे जाके यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट स्पेशल एज अ वैल्यू कर देता हूँ। तो वैल्यू से क्या होगा, देखने में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सेल एड्रेस आ रहे थे यहाँ नहीं आएंगे, ये आपके पास टेक्स्ट है, आप इसको सीधा कॉपी करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है सिंपल सा कंकैटिनेशन इन एक्सेल कि हम इजीली कैसे जल्दी से हम कंकैटिनेट करके अपने काम को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने ईमेल एड्रेसेस का एक ग्रुप बना लिया फटाफट और उसको हम सीधा मेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।